मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। गुड इवनिंग। और अभी शाम का टाइम है, शाम के बज रहे हैं 7:15 और मैं निकल रही हूँ थोड़ा सा मार्केट के लिए। एक्चुअली कुछ ऐसा कुछ खास खरीदना नहीं है अभी, बस देखना है कि दिवाली मार्केट किस तरह से है, क्योंकि धनतेरस में अभी टाइम है। धनतेरस के दिन स्पेशल कुछ खरीदूंगी जो कि खरीदते हैं, कुछ मेटल का सामान या कुछ जो भी खरीदूंगी शेयर करूंगी। तो आज जा रहे हैं हम लोग थोड़ा सा दिवाली मार्केट देखने, और वहां कुछ पसंद आता है डेकोरेटिव आइटम या फिर लाइट्स वगैरह भी देखूंगी, अगर कुछ अच्छा लगा तो लूंगी, और किस तरह से है वो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। किशन यहाँ पे नहीं है तो मैं और रिया रोहित तीनों लोग जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। और मैंने पहना है स्वेटर क्योंकि ठंड है, तो ठंड की वजह से थोड़ा सा पतला वाला स्वेटर पहन लिया है, और दोनों बच्चे भी रेडी हैं। तो चलिए चलते हैं मार्केट और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे शहर में किस तरह से है अभी दिवाली की मार्केट। और हम लोग टहलते हुए जा रहे हैं पैदल तीनों, क्योंकि सामने वाला जो मार्केट है वहीं पे हम लोग जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं जाना है, तो बस पैदल ही निकल रहे हैं, थोड़ा सा टहल के आते हैं वहां से। और हम निकल चुके हैं और हम हैं अभी रास्ते में। हम लोगों ने अभी मास्क नहीं लगाया है क्योंकि पैदल जा रहे हैं, तो मास्क लगाने से फिर सांस फूलने लगेगी, तो इसलिए मास्क नहीं लगाया है। मार्केट पहुंचूंगी वहां तो उसके बाद मास्क लगा लेंगे हम। और ये हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, और आप देख सकते हैं मार्केट की रौनक बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ लाइट से डेकोरेट किया हुआ है मार्केट, और लाइट्स देख के ही बहुत खुशी लगता है। और आप देख सकते हैं सब लोग प्रिकॉशन के साथ मार्केटिंग कर रहे हैं। अब मुझे देखा ये बैलून लाइट वाली, तो मैं वो ले रही हूँ।
और मैं आ चुकी हूँ घर वापस। पहले चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले दिखा रही हूँ ये लड़ियाँ, अब देख सकते हैं बहुत सी सुंदर पिंक कलर और येलो कलर का पॉम्पम लगा हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारा है। और ये लास्ट में है इस तरह से बेल, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, ये गोल्डन कलर का बेल लगा हुआ है। तो ये दो लड़ियां ली है मैंने, कहाँ लगाऊंगी वो जरूर दिखाऊंगी। तो फिलहाल तो ये लिया है क्योंकि बहुत ही कलरफुल और बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो ये दो लड़ियां ली है मैंने। और मैंने लिया है शुभ लाभ, तो ये जो है हम लोग दरवाजे पे लगाते हैं, बाहर वाले दरवाजे पे, मेन गेट पे, तो ये लिया है। तो ये फिर चिपकाऊंगी अभी, ये स्टिकर टाइप का होता है, तो ये एक लिया है। रिया ने कुछ रंगोली का सामान, तो रिया से सबर नहीं हुआ, वो आते ही सारा पैकेट खोल चुकी है। ये एक पैकेट में बंद था सारा, ये छोटे छोटे पैकेट। तो ये वाला ढेर सारा कलर है, आप देख सकते हैं बहुत सारे कलर में है ये रंगोली है, तो इससे रंगोली बनाएगी रिया और मैं भी बनाऊंगी। तो ये सारा कलर जो है पूरा एक पैकेट में था और सिर्फ 100 रुपीज का प्राइस था, तो ये हम लोगों ने लिया है। ये बहुत ही सस्ते मुझे लगे क्योंकि बहुत सारा कलर है आप देख सकते हैं, और 100 रुपीज में मिला, तो ये बहुत अच्छा चीज मिला मुझे मार्केट में आज, तो ये लिया है। और लिया है ये एक रंगोली, ये मैं सोच रही थी कि मेन डोर के सामने लगाऊंगी क्योंकि मेन डोर के सामने ये अच्छा लगेगा, वेलकम है और लक्ष्मी माँ का पैर है, तो ये घर के अंदर साइड लक्ष्मी माँ का पैर करके इसको स्टिक करूंगी। तो ये वाला जो रंगोली है ये मुझे अच्छा लगा, ये स्टिकर रंगोली। और मैंने एक लिया है ये फ्लावर वाला रंगोली, तो ये वाला भी बहुत ही प्यारा है, रेड और येलो के कॉम्बिनेशन में है, तो इसको मैं सोच रही थी कि पूजा रूम में लगाऊंगी। और ये एक लक्ष्मी जी का स्टिकर है, लक्ष्मी सरस्वती और गणेश जी का, ये मुझे बहुत ही सुंदर लगा। तो ये जस्ट स्टिकर है, इसको ऐसे हटा के इसका स्टिकर ऊपर वाला और इसको स्टिक किया जाता है, तो इसमें शुभ दीपावली लिखा हुआ है, तो ये जो पूजा वाला रूम है उसके दरवाजे पे मैं इसको स्टिक करूंगी, तो ये बहुत ही सुंदर है आप देख सकते हैं। मैं लेकर आई हूँ ये शुभ लाभ का एक तोरण टाइप का है, ये बहुत ही खूबसूरत है आप देख सकते हैं, गोल्डन और रेड के कॉम्बिनेशन का गणपति बने हुए हैं, और ये इस तरह से ये खुल जाएगा, तो इस तरह से है। और दीपावली के टाइम इस तरह का पूरा झकमक ग्लिटर वाला चीज जो है डेकोरेशन के लिए अच्छा होता है, बहुत सुंदर लगता है घर, इससे बहुत खूबसूरत लगने लगता है। इस तरह की चीजें जो है दिवाली के टाइम बहुत सारी मिलती हैं। और एक ये भी लिया है स्टिकर रिद्धि सिद्धि का, एक लड़ी, ये मैरी गोल्ड फ्लावर जैसा है और बहुत ही प्यारा लग रहा था, आप देख सकते काफी बड़े बड़े गेंदे के फूल की ये लड़ी है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो येलो कलर का मैंने लिया है, तो ये एक लड़ी लिया है। और लिया है एक ये धान का गुच्छा, ये टांगा जाता है पूजा रूम की में, तो ये वाला लिया है, ये बहुत अच्छा है, पिछले साल वाला जो मेरा ऐसे चिपटा टाइप का था और ये साल ये इस तरह से गोल मिला है, तो ये मैंने लिया है, तो ये बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो ये एक लिया है पूजा के लिए। और मैंने लिया है ये दो लोटस उर्ली में, जो कि ओरिजिनल फ्लावर की उर्ली बनती है, अगर आपके पास ओरिजिनल फ्लावर नहीं है तो आप इस तरह के लोटस भी उर्ली में डाल के रख सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, एकदम ओरिजिनल लुक लगता है फ्लावर का, तो ये दो लोटस लिया है, तो बहुत ही सुंदर है। और इसका जो मटेरियल है वो रबड़ है मुझे लगता है, तो बहुत ही लाइट वेटेड है और बहुत ही खूबसूरत है। और मैं लेकर आई हूँ कुछ इयररिंग्स, मैंने भी लिए हैं इयररिंग्स और रिया ने भी लिए हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये वाले इयररिंग्स है, ये एक इयररिंग है जो कि मैंने लिए हैं, ये नीचे ब्लैक कलर के बीट्स लगे हैं इस तरह से, और ये इस तरह से है कुछ इसका लुक, इस तरह से है कुछ इसका लुक, तो ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे। इसका साइज देखने में बड़ा है बट ये बहुत ही लाइट वेटेड है, और ये वाले जो इयररिंग है मुझे 40 रुपीज में मिले हैं, तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे तो मैंने ये एक लिए हैं। और रिया ने लिया है ये ब्लैक मेटल वाला,
इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये भी बहुत खूबसूरत है, ये देखिए इस तरह से है। और इसके ऊपर में ये मिरर लगा हुआ है, तो इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने लिया है ये झुमके, ये मैं दिवाली पे पहनूंगी, तो दिवाली के लिए ही लिया है। और इसका जो प्राइस है, ये रिया वाला भी 40 रुपीज़ का ही है, और ये वाले जो झुमके हैं ये मुझे 120 का मिला है। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत है, इसको पहनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो ये मैं दिवाली पे पहनूंगी, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये लिया है एक इयररिंग। और आज की शॉपिंग का जो सबसे बेस्ट पार्ट था वो है ये बैलून, ये लाइट वाली बैलून, ये बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। मैं जाते ही मार्केट में फर्स्ट चीज मुझे यही पसंद आई थी और फर्स्ट में ही मैंने इसको ले लिया था। तो ये बहुत ही सुंदर है और ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्विच है जिससे कि आप इसका ऑफ कर सकते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के लाइट्स दे रहे हैं, ऐसे जैसे ये झकमक कर रहा है, फिर ये थोड़ा सा ये स्लो हो जा रहा है और फिर ये स्टेबल हो जाएगा बिल्कुल, फिर ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरह से है और बहुत ही प्यारे लगे मुझे। तो आप लोगों को कैसा लगा और आप लोगों को सबसे अच्छा शॉपिंग मेरा कौन सा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि और कुछ करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अभी जा रही हूँ, फटाफट रोटी बनाऊंगी, डिनर करेंगे और सो जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा थक गए हैं, पैदल गए थे इस वजह से। तो बस और कुछ काम है नहीं, बस डिनर करना है और बस रेस्ट करूंगी उसके बाद। तो इसी के साथ मैं आज का ये ब्लॉग इन करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कमेंट करके जरूर बताएगी कि कौन सा शॉपिंग सबसे अच्छा लगा है मेरा आप लोगों को, और आप लोग किस तरह से कर रहे हैं दिवाली की तैयारी और क्या क्या शॉपिंग की, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, धनतेरस के ब्लॉग में। और धनतेरस पे आप लोग क्या खरीद रहे हैं मुझसे जरूर शेयर कीजिए, मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।